गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप पीएनबी अकाउंट की कस्टमर आईडी कैसे पता कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑनलाइन सेवा को शुरू करने के लिए कस्टमर आईडी का होना ज़रूरी है, तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप कस्टमर आईडी कैसे पता कर सकते हैं। और इसलिए कि ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का मर्ज होने पीएनबी से मर्ज होने के बाद कुछ लोग जो कस्टमर आईडी है वो उन्हें कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह आज मैं आपको इसी वीडियो में आपको pnbindia.in टाइप कर लेना है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ इस तरीके से। जैसे मैं टाइप करता हूँ तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको साइड में मेन्यू का ऑप्शन देखने को, आपको मेन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरीके मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टमर केयर, तो आपको कस्टमर केयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिला, हाउ डू आई, तो आपको इस पर हाउ डू आई पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कंप्लेन, तो आपको कंप्लेन पर क्लिक कर देना है। तो मैं कंप्लेन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा कंप्लेन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो आपको इस पर इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको यहाँ अपना बैंक का जो अकाउंट नंबर है पीएनबी का, वो यहाँ मेंशन कर लेना। मेंशन करने के बाद यहाँ आपको एक कैप्चा को फिल कर लेना है। जैसे कि आज आप कैप्चा को फिल करेंगे तो यहाँ मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ कैप्चा फिल कर लेता हूँ। इस तरीके से कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको OTP जनरेट करेंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उस पर आपको एक OTP आ जाएगा आपके नंबर पर। जब भी आपका अकाउंट नंबर लिंक है, तो मैं OTP जनरेट करें इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ का मेरा कैप्चा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ मेरे जो नंबर अकाउंट नंबर लिंक है पीएनबी से, यहाँ मुझे एक OTP देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ देखो जो मैंने अपना अकाउंट नंबर जो मैंने मेंशन करा था वो यहाँ मुझे फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। और शिकायत प्रकार कंप्लेन टाइप, तो आपको कंप्लेन टाइप में क्या चॉइस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्लिक करना है और आपको वैलिड ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देना, और आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं कैटेगरी पर क्लिक कर देता हूँ, APS चॉइस कर लेता हूँ। और आपको जो आपके नंबर पर OTP आया तो वो आपको यहाँ फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ फिल कर ले, इसके बाद आपको फिर से यहाँ एक कैप्चा देखने को मिल रहा है, आपको कैप्चा कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कैप्चा यहाँ फिल कर देता हूँ, 2X, और इसके बाद आपको सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप यहां देख सकते हैं जो भी आपका बैंक नेम, मतलब जो आपका अकाउंट नंबर पीएनबी अकाउंट नंबर पर नेम था, किस नेम था, वो आपको ईमेल आईडी देखने को, मोबाइल नंबर देखने को, खाता संख्या देखने को मिलेगा, और ग्राहक आईडी कस्टमर आईडी आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से, तो गाइस यहाँ मैंने बिलन लगा दी। तो मैं आपको अपने जो डिटेल है मेरे पीएनबी के पंजाब नेशनल बैंक की, वो आपको शो नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप आसानी से आप कस्टमर आईडी देख सकते हैं। तो अब मैं आपको जूम कर देता हूँ, इस तरीके जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो कस्टमर आईडी, तो आप इस तरीके से आसान तरीके से कस्टमर आईडी देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब